हेलो एवरीवन, वेलकम टू कविश आईएएस। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पॉलिटी के। तो अगर आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझे और हर जो टॉपिक मैं मेंशन कर रहा हूँ वो पूरा वीडियो अच्छे से सुने, तो आप लोगों को प्रीलिम्स में बहुत सारा क्वेश्चंस ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, और आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में बहुत ईजी होगा। जैसे कि आपको पता है कि पॉलिट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, क्योंकि हर साल इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप पॉलिट्री अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो प्रीलिम्स क्लियर करने का चांसेस आपका बहुत बढ़ जाएगा। तो कविश आईएएस कोलकाता का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। अभी आपको आईएएस प्रिपरेशन के लिए दिल्ली जाने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग कोलकाता में बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग सब टाइप की हेल्प आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे देखिए न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं हम लोग, इससे राइटिंग प्रोवाइड करते हैं, आंसर राइटिंग प्रोवाइड करते हैं, और पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो सब कुछ आपको कोलकाता में बैठ के मिल सकता है। हम लोग का दो सेंटर है और नंबर स्क्रीन में है, आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं। ये हम लोग का क्लासरूम सेशंस भी है और हर टाइप का स्टडी मटेरियल्स और हब सर्जुट का प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए 2023 के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे उससे शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये है कि इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। तो देखिए, हम लोग जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं देखेंगे, हम लोग हर एक टर्म को समझेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि यूपीएससी जो टर्म्स यूज करते हैं क्वेश्चंस में उसी के ऊपर क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, उसी टॉपिक के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको हम लोग डिटेल्स में क्वेश्चन समझेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को कॉमन टॉपिक्स मिल जाए नेक्स्ट टाइम। तो ये पहला क्वेश्चन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लेके। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बार बार आता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है। तो ऑप्शंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। हम लोग सब समझेंगे इसको, नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन एंड इक्वालिटी। अभी देखिए, ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये क्या बोलता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अ प्रिंसिपल दैट मेक्स श्योर दैट द प्रोसीजर यूज टू मेक अ लॉ, प्रोसीजर यूज टू मेक अ लॉ इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस एंड इरेशनैलिटी। मतलब जो लॉ बन रहा है उसमें ठीक प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, जो जस्टिस से रिलेटेड हो, कोई आर्बिट्रेरीनेस और इरेशनैलिटी ना हो, मतलब जस्ट हो। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, जो मेंशन था वो था ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21 में। तो सुप्रीम कोर्ट में मानेका गांधी केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को लेके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अप्लाई किया, उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में फॉलो होने लगा। तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। आप लोगों को पता है कि हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया गया है, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है दो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, इन इंडिया प्रिजंस आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजंस। मतलब जो प्रिजंस है वो स्टेट गवर्नमेंट ही मैनेज करता है और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टेट गवर्नमेंट देखता है। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, इन इंडिया प्रिजंस आर गवर्न बाय द प्रिजंस एक्ट 1894 व्हिच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजंस इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। मतलब जो प्रिजंस एक्ट 1894 है उसके चलते ये जो प्रिजंस का मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, एक स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, बी स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, एंड सी स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट, एंड डी स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो इसमें से स्टेटमेंट वन है करेक्ट और स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, और स्टेटमेंट टू का वन से करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है,
क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बोला गया प्रिजन्स एक्ट 1894, इसके वजह से ही अभी जो प्रिजन्स है वो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। चीफ पर्पस पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑप्शंस क्या क्या है? इट डिटरमिन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग नेसेसरी लॉज, इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसर्स एंड अ गवर्नमेंट, सी इट डिफाइंस द लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड डी इट सिक्योर सोशल जस्टिस सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। तो इसमें देखिए पूछा जो ऑप्शंस है वो आसपास है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये सब कुछ करता है, मगर यहाँ पे बोला गया चीफ पर्पस क्या है। अगर बोला जाता था कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है तो ये सब होता, क्योंकि देखिए डिटरमिन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग नेसेसरी लॉज, मतलब नेसेसरी जो लॉज है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। फिर बोला गया इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट, मतलब जो जो पोस्ट क्रिएट होता है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में वो भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। फिर बोला गया है डिफाइंस द लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का जो पावर है डिफाइन भी करता है और उसको लिमिट भी करता है, लिमिट मतलब उस पर रेगुलेशन चलाता है कि ये पावर में है या पावर में नहीं है। और डी है इट सिक्योर सोशल जस्टिस सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ये तीन चीज़ भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये पूछता कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं, मगर यहाँ पे बोला गया कि चीफ पर्पस क्या है, इसके वजह से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो ऑप्शन ए इसका होगा वो है ये सी इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा क्यों है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम होता है, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये टर्म बार बार क्वेश्चन से पूछा गया है मेंस में प्रीलिम्स में भी। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के टाइम ये टर्म यूज़ किया था। इसके मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गन्स है सबका पावर के ऊपर लिमिटेशन रहेगा। जैसे हम लोग का जो आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है मतलब एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। सब हर एक काम एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, मतलब हर एक काम एक दूसरे के ऊपर लिमिटेशन डालते हैं कि किसी के पास एब्सोल्यूट पावर ना आ जाए। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम है कि ये डिफाइन करता है कि एक दूसरे एक का पावर क्या है, एक दूसरे का डिफाइंड आर्म्स का पावर क्या है, और उसके ऊपर लिमिट भी रखता है कि कोई और पावरफुल ना बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वॉज वाइडली बिलीव टू बी एनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब क्या बोला गया है कि इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा था जो इनैक्ट किया गया था जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है फंडामेंटल राइट्स को उसको ओवरकम करने के लिए, मतलब उसको चेंज करने के लिए, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है उसको चेंज करने के लिए। इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 86th अमेंडमेंट। चलिए इसको देखते हैं, हम लोग सब समझेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट कौन सा था, 42nd अमेंडमेंट कौन सा था, 44 और 82nd अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट कौन सा था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट कौन सा था, ये आर्टिकल 19 ऑफ फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया था। आर्टिकल 19 जैसे आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और आर्टिकल 15(4) जो है उसको ऐड किया था आर्टिकल 15 के अंदर, मतलब आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके अंदर 15(4) को एडजस्ट किया गया था। किसके लिए? जो वीकर सेक्शन है उसके एडवांसमेंट के लिए। और जो आर्टिकल 42 है ये इसमें था इमरजेंसी प्रोविजंस। आपको पता है कि 42 इसलिए लाया गया था इमरजेंसी के टाइम में, उसे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें ऐड हुआ था और कुछ चेंजेस भी किए गए थे प्रियम्बल में। अगर आपको पता है कि कौन सा चेंजेस किया गया था इस 42nd अमेंडमेंट के थ्रू तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। और 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, ये जो 42nd अमेंडमेंट के इमरजेंसी के टाइम जो प्रोविजंस लाए गए थे इमरजेंसी प्रोविजंस, उसको रिवर्स किया गया था, मतलब उसको वापस चेंज किया गया था और उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड भी किया गया था। और 86th अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये बार बार आता है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद बताइए कि 86th अमेंडमेंट ने क्या किया था। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से देखते हैं।
इसमें 46 में नहीं होगा, क्योंकि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इसमें चेंज नहीं हुआ था, 44 में नहीं हुआ था, 86 में नहीं हुआ था। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट अमेंडमेंट, क्योंकि इसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को चेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज को लेके। तो इसमें बोला गया है ये ऑर्गेनाइज जो बॉडीज़ है इनका नाम दिया गया है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। और पूछा गया है इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि देखिए इंडिया में बहुत सारे बॉडीज़ है, लीगल बॉडीज़ है, उसमें कुछ ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, बाकी सब डिफरेंट टाइप्स के बॉडीज़ हैं। तो अभी चलिए देखते हैं ये डिफरेंट एज ऑर्गेनाइजेशंस कौन सा कैसा है। ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, ये इस्टेब्लिश किया गया था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2018 के। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हुआ है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के थ्रू ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया था। उसके बाद है नेशनल लॉ कमीशन, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। उसके बाद है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, जो 1988 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था उसके थ्रू बनाया गया था। तो हम लोगों को पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा है इसमें। तो जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जिस बॉडी का नाम, वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो उसमें आंसर ये होगा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, आंसर ये होगा। अभी आप लोग ऑप्शन देखिए, ये जो ऑप्शन का पैटर्न है ओनली वन ओनली टू, ये यूपीएससी 2022 में स्टार्ट किया था। इससे क्या होता है आपको तुक्का मारने का जो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत जानना होगा अभी आंसर करने के लिए। तो इसमें क्या होगा आंसर, सर वन होगा, तो इसका आंसर होगा ए ओनली वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। इसका मतलब क्या बोल रहा है, अगर जो इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, अगर उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसको वॉइड बोल दिया, मतलब वॉइड मतलब इनवैलिड बोल दिया इलेक्शन को, तो उसका जो भी एक्ट मतलब जो भी काम उसने किया था प्रेसिडेंट ने उसके पहले, तो वो क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा या नहीं होगा। तो इसमें बोला गया इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट टू है, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्वड एंड इलेक्शंस आर यू टू टेक प्लेस। मतलब जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उसको इस ग्राउंड में पोस्टपोन किया जा सकता है कि अभी कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जो डिसॉल्वड है, उनके इलेक्शन नहीं हुआ है। तो स्टेटमेंट थ्री है, ये बोल रहा है व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट्स विद इन व्हिच ही और शी हैज टू डिक्लेयर हिज और असेंट। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आपको पता है उनके पास बिल्स जाते हैं असेंट के लिए, उनके साइन के लिए, और यहाँ स्टेटमेंट में बोल रहा है कि उसका टाइम लिमिट दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा गलत है। जो स्टेटमेंट वन है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर्टिकल 17(1)(2) में बोला गया इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, और उसको वॉइड डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट से, तो ऑल एक्ट्स डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो उसके बिफोर द डिसीजन, वो सब वैलिड रहेगा। तो ऑप्शन वन गलत है, क्योंकि वहाँ पे बोला गया था कि इनवैलिड हो जाएगा। स्टेटमेंट टू भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए एज पर आर्टिकल 71(4) द इलेक्शन ऑफ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। मतलब उसको कोई उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा इलेक्शन का, किस कारण से, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी फॉर वॉट एवर रीजन्स अमंग द मेम्बर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। अभी इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, जो मेम्बर्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी है। तो अगर कोई वैकेंसी रहे या असेंबली नहीं रहे, जो उस स्टेटमेंट में बोला गया था, आप देखिए कि असेंबली डिसॉल्व रहेगा तो इलेक्शन
पोस्टपोन किया जाएगा, मगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होगा, इलेक्शन में कोई बाधा नहीं आएगा ये वैकेंसी की वजह से। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, और स्टेटमेंट थ्री भी गलत है, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कोई टाइम लिमिट नहीं देता है, डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट फॉर द इलेक्शन फॉर द सॉरी व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम फॉर इज एसेट। मतलब यहाँ पर जो बोला गया था कि जब प्रेसिडेंट को बिल दिया जाता है तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, ये भी गलत है। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, नन। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू फिनांस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फिनांस बिल टू राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। मतलब जो लोकसभा फिनांस बिल राज्यसभा में भेजता है ये अमेंड भी कर सकता है बिल को और रिजेक्ट भी कर सकता है। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है? लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। मतलब वो बिल रिजेक्ट और अमेंड कुछ भी नहीं कर सकता है, राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशंस भेज सकता है। तीन नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट अ ज्वाइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फिनांस बिल। मतलब इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल के केस में नहीं होगा मगर फिनांस बिल के केस में होगा। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है देखना है। तो देखिए पहले फिनांस बिल क्या है? फिनांस बिल इज अ टाइप ऑफ मनी बिल ओनली, मतलब ये एक मनी बिल ही है जो आर्टिकल 110A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। स्टेटमेंट वन करेक्ट नहीं है क्योंकि फिनांस बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, जैसे मनी बिल है ऐसे फिनांस बिल है। द राज्यसभा कैन ओनली मेक अमेंडमेंट्स बट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल। तो राज्यसभा रिजेक्ट भी नहीं कर सकता है, अमेंड भी नहीं कर सकता है, सिर्फ सजेशन दे सकता है। स्टेटमेंट वन करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू में बोला गया था कि लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, जो कि करेक्ट है। स्टेटमेंट थ्री भी करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि जब डिसएग्रीमेंट होता है तब ज्वाइंट सिटिंग होता है फिनांस बिल के लिए, मगर आपको पता है कि फिनांस बिल इज अ टाइप ऑफ मनी बिल तो कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, लोकसभा जो बोलता है वही फाइनल होता है। तो आप लोग देखिए कि स्टेटमेंट वन करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट टू सिर्फ करेक्ट है, स्टेटमेंट थ्री भी करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट, मतलब ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया एज एन शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब स्टेट के अंदर जो शेड्यूल्ड एरिया होता है वो किसका थ्रू नोटिफिकेशन आता है? प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज अ डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन अ ब्लॉक। द लार्जेस्ट एक शेड्यूल्ड एरिया है उसके अंदर लार्जेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो डिस्ट्रिक्ट है और जो लोएस्ट है वो क्लस्टर ऑफ विलेजेस ब्लॉक में है। और थर्ड में बोला गया है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्सर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू द यूनियन मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट्स। मतलब चीफ मिनिस्टर को एनुअली रिपोर्ट सबमिट करना है यूनियन होम मिनिस्टर को शेड्यूल्ड एरियाज को एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा गलत है। ये शेड्यूल्ड एरियाज फिफ्थ शेड्यूल में मेंशनड है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अभी स्टेटमेंट वन जो है नोटिफिकेशन जो है शेड्यूल एरिया का वो सही है, प्रेसिडेंट ही देता है उसको। और जो स्टेटमेंट टू है कि द लार्जेस्ट यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इज अ डिस्ट्रिक्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेज इन द ब्लॉक, ये भी बहुत सही है। बस जो स्टेटमेंट थ्री है मगर ये यहाँ पे बोला गया था कि चीफ मिनिस्टर सबमिट करता है रिपोर्ट को किसको? यूनियन होम मिनिस्टर को। ये एकदम गलत है क्योंकि जो रिपोर्ट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें सबमिट करता है गवर्नर और वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि अब देखिए ये नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गया, तो ये गवर्नर इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को भेजते हैं। तो ये शेड्यूल्ड एरिया का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को क्योंकि ये भी बार बार रिपीट होता है ये टॉपिक। और इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? इसका आंसर होगा देखिए, एक स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू करेक्ट है, स्टेटमेंट थ्री इनकरेक्ट है। इसका मतलब इसका आंसर होगा ओनली टू आर करेक्ट, ऑप्शन बी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट टाइप ही है। स्टेटमेंट वन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स
that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of the administration. मतलब जो सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट्स में बोला गया है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है आर्टिकल 16(4) के अंडर, उसमें लिमिटेशन क्या होगा आर्टिकल 335 का, फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टाइम टर्म डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 335 में. तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. स्टेटमेंट वन टू करेक्ट, ये आपको पता है और जैसे पहले भी आया था ऐसे ऑप्शंस. और स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन. बी, स्टेटमेंट वन एंड टू करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सी, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. एंड डी, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा. स्टेटमेंट वन करेक्ट है क्योंकि देखिए आर्टिकल 16(4) में जो बोला गया है कि जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में, उसमें आर्टिकल 335 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 335 को लेके जो मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी मेंटेन करना होगा. जब रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के टाइम पे ये भी देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मेंटेन हो रहा है आर्टिकल 335 में, यह है. और स्टेटमेंट टू जो बोल रहा है कि आर्टिकल 335 में मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये टर्म डिफाइन करता है, ये गलत है क्योंकि ये आर्टिकल 335 में ऐसा टर्म डिफाइन नहीं किया गया है. तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इसका एक सीरीज़ बनाएंगे वन आफ्टर अनदर पॉलिटिका, जिसमें आप लोग का बहुत हेल्प होगा. तो आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.